हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर बॉट ट्रेडिंग दिखाई थी। मतलब एक मूविंग एवरेज होती थी, जैसे मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, एक मूविंग एवरेज होती थी, कोई सी भी मूविंग एवरेज होती थी, उसके ऊपर कैंडल ओपन होती थी तो बाय कर लेता था, उसके नीचे ओपन कैंडल होती थी तो सेल कर देता था। तो मतलब ये चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है, पर मैंने ओपन पे ये चीज़ दिखाई थी, तो वो वीडियो ये थी। एंड इसके अंदर मैंने खाली डेमो दिखाया था, आज कमांड कैसे लगाते हैं आपको ये बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा एंड टेलीग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको अपने ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम मेरे को सेंड करना है, जैसे कि मेरा यूजर नेम ये रहा, आप यहाँ देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखेगा, मेरा मनोज वर्मा है, आप यहां देख सकते हो। इसी तरीके से आपका भी ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होगा। जैसे आप मेरे को ये भेजोगे, मैं आपको एक इंडिकेटर की एक्सेस दूंगा जिसका नाम है हाइकनसी, ये रहा हाइकनसी जो मैंने ऐड कर रखी है। उसके बाद आप उस कमांड को लगा सकते हो और मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ लगा के एंड चेक भी करवा देता हूँ ये कमांड कैसे लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हाइकनसी ऐड कर लेनी है और एक मूविंग एवरेज ऐड कर लेनी है जिस पे आप काम कराना चाहते हो। जैसे कि मेरी जो फेवरेट है, मैंने क्या करा, 4 की मूविंग एवरेज ऐड करी है, वो भी ओपन सोर्स के साथ, जो बाय डिफॉल्ट होता है क्लोज होता है, पर मैंने ओपन कर रखी है। तो आप देख सकते हो 4 की मूविंग एवरेज व्हाइट कलर में चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कैंडल ओपन हो तो बाय हो, इसके नीचे कैंडल हो तो सेल हो, तो इस तरीके से करेगा। बट मैं एज अ डेमो बिड लगाऊंगा, डायरेक्ट बाय भी नहीं करूंगा ना डायरेक्ट सेल करूंगा, लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। आप चाहो कवर ऑर्डर, डायरेक्ट बाय, डायरेक्ट सेल, जो भी जैसे भी आप चाहते हो वो करवा सकते हो, पर मैं लिमिट ऑर्डर MSI में लगाऊंगा। तो ये कमांड कैसे लगानी है, इंडिकेटर की जब आपको एक्सेस मिल जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है एंड इनवाइट स्क्रिप्ट पे जाना है। ये आपका इनवाइट स्क्रिप्ट, आपको उस जिस इंडिकेटर की मैंने एक्सेस दी वो आपको यहां पर शो होगा, उसे ऐड कर लेना। ठीक है जी, नाम आपको मैंने बता दिया, हाइकनसी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा, या टीम व्यूअर और एनीड्रेक डाउनलोड करके रखना जिससे कि मैं आपके PC पे आके आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। अच्छा, अब कमांड कैसे लगाते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, ये वॉच के आइकन पे क्लिक करना, फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर हाइकनसी सिलेक्ट कर लेनी है। हाइकनसी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर ओपन सिलेक्ट कर लेना है, बाय डिफॉल्ट ओपन था। इसके बाद आपको क्रॉसिंग अप कर लेना है एंड उसके बाद आपको करना है 4 की मूविंग एवरेज को सिलेक्ट। इस तरीके से कंडीशन के अंदर आपको ये तीनों चीज आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये कंडीशन रहनी चाहिए आपकी बाय साइड से। उसके बाद आप चाहते हो, ये ऑप्शन का ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। ओनली वंस मतलब होता है कि एक बार कमांड वर्क करेगी उसके बाद बंद हो जाएगी, और सेकंड ऑप्शन का मतलब है जितनी बार वो सिग्नल जनरेट होगा उतनी बार आपको कमांड चलती रहेगी, अगर आपने कोड डाला है तो उतनी बार बाय होता रहेगा। और वंस पर बार का मतलब ये है कि आपकी कैंडल जब क्लोज होगी, सिग्नल बेशक पहले आ जाए पर उस कैंडल के क्लोज होने पे आपको सिग्नल मिलेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट है वो ये है, आप चाहो तो वंस ओनली वंस भी कर सकते हो, बट मैं अभी क्या करता हूँ, वंस पर बार करके इसके अंदर बाय लिख देता हूँ कैपिटल में, जिससे कि मुझे पता रहे ये बाय की कमांड है। कोड मैंने डाला नहीं है तो अभी ये वर्क नहीं करेगा, खाली हमने बाय लिखा है जिससे हमें पता रहे। तो ये देखिए ग्रीन कलर में ये कमांड आ गई और एक्टिवेट है। ग्रीन कलर इट्स मीन एक्टिवेट, आपका बॉट एक्टिवेट, आपकी कमांड एक्टिवेट है, बस आपको कंबाइंड करना है बॉट के साथ कोड डाल के। तो हमने बाय वाली तो एक्टिवेट कर दी, अब सेल वाली भी एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड फिर से गए हम, हाइकनसी लिया, ओपन लिया एंड क्रॉसिंग डाउन, पहले क्रॉसिंग अप लिया था हमने, क्रॉसिंग डाउन कर दिया एंड मूविंग एवरेज कर दी, या आप अपनी कोई भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मैंने यहाँ कर दिया सेल। तो ये मैं डेप्थ में आपको बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में खाली डेमो दिखाया था, इस वीडियो में डेमो के साथ आपको वो भी बता रहा हूँ कि चीजें होती कैसी। तो ये देखिए दोनों कमांड क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हमें कोड डालना है, तो कोड जैसे आपको पता, मैंने कोड की भी वीडियो बना दी है, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा। ये दिखा देता हूँ कोड की वीडियो, ये 35 मिनट की वीडियो, सारे कोड यूज करने बताए मैंने। और जब भी आप कोड लगाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे एंड हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कोड फाइल जनरेट हो जाएगी, जहां पर हमने ACC को टारगेट करते हुए कोड बना रखे हैं। तो मेरे को लिमिट ऑर्डर लगाना है, तो मैं लिमिट ऑर्डर का कोड उठा लेता हूँ बाय साइड का। एंड एक सॉफ्टवेयर है, इसका भी लिंक दे दूंगा, रिप्लेस करने में वर्ड को काम आता है। तो ACC के बदले हम चाहते हैं IOC हो जाए, क्योंकि IOC पे काम कर रहे हैं। एंड क्वांटिटी हम कर देते हैं 100 एंड मार्केट रेट से 2% नीचे बिड लगे जैसे सिग्नल आए बाय का। तो ऊपर वाला कॉपी नहीं करना, मैं नीचे वाला कॉपी करना है, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है ACC के बदले, ऑटोमेटिक इनने IOC कर दिया। आप देखोगे इधर ACC लिखा है, इधर IOC, तो हमने इसे कॉपी करा एंड इसमें गए।
अब यहां पर जाने के बाद हमें सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है एंड इसके अंदर वो कोड डाल देना जिससे कि सिग्नल आए तो बाय कर ले, मतलब ऑर्डर लगा दे। तो हमने कर दिया सेव एंड ये हमारा सेव हो गया। एंड इसी तरीके से हमें सेल का कोड डालना है तो सेल का भी डाल देते हैं। यहां से हम सेल का कोड लाते हैं परसेंटेज वाला, कमांड वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज वाला मैं क्यों कह रहा हूँ। एंड मैंने इसे यहाँ डाला एंड 100 क्वांटिटी कर देते हैं इसके अंदर भी एंड प्लस 2% कर देते हैं इसे, प्लस 3% कर दिया सॉरी हमने। एंड मैंने ये सेल वाले में भी पेस्ट कर दिया, आपके सामने कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, एंटर मार के मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो अब हमारी कमांड तो रेडी होगी कोड के साथ, अब हमें सिग्नल का वेट करना है। जैसे ही सिग्नल आता है तो वो चीज़ हमारी जरोधा पे दिखेगी, ऑर्डर दिखेगा। हमने मार्केट ऑर्डर तो लगाया नहीं तो डायरेक्ट बाइंग सेलिंग तो होगी नहीं, ऑर्डर लगेगा तो वो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी जैसे देख सकते हो कि मूविंग एवरेज से ऊपर है कैंडल और तो सिग्नल नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसलिए मैं थोड़ा सा इस पार्ट को काट देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ वीडियो, जैसे सिग्नल आने वाला होगा मैं ओपन कर। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बनी है और जो इसका ओपन हुआ था वो ऊपर ही ओपन हुआ था तो इसलिए सिग्नल नहीं आया। बट अब जो ओपन होने वाला है मूविंग एवरेज से नीचे ओपन होने वाला है तो इट्स मीन शॉर्ट का सिग्नल आएगा सेल का, एंड मतलब चांस है इस कैंडल नीचे ओपन होने के। तो हम देखते हैं जैसे ही कोई कमांड आएगी आपको नो यहाँ दिख जाएगा कि सिग्नल कौन सा आया। तो अगर अलर्ट्स आता है, ये देखिए इधर आ गया सेल का सिग्नल एंड कमांड आ गया, हम चलते हैं उधर पे। तो ये देखिए 100 क्वांटिटीज हमारी सेल ऑर्डर लग गया है। तो ये एक एग्जाम्पल था और ऐसी तरीके से बाय की साइड भी होता है। तो मैंने आपको कमांड लगानी बता दी है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। एंड कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो आपके पास पीसी में टीम व्यूवर एंड एनीडेक्स होना चाहिए जिससे मैं आपको कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।